सलमान खान की भारत में महज एक सीन के लिए क्यों राजी हुई तब्बू। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सुपरस्टार सलमान खान अपनी मच अवेटेड फिल्म भारत के प्रमोशन में जोरों शोरों से बिजी हैं। इस फिल्म में कैटरीना कैफ के साथ साथ हमें तब्बू भी नजर आने वाली है, लेकिन उनका इस फिल्म में महज एक सीन होगा। फिल्म के प्रमोशन के दौरान तब्बू ने भी बताया कि इस फिल्म में उनका महज एक सीन है, तो अपने एक सीन को लेकर वो क्या प्रमोशन करें। दोस्तों, जब से ये बात उठी है कि तब्बू का इस फिल्म में एक ही सीन होने वाला है, तो काफ़ी बड़ा सवाल बन चुका है कि आखिर तब्बू इतनी बड़ी फिल्म में एक सीन के लिए क्यों राजी हुई। तो कुछ लोगों का कहना है कि तब्बू ने सलमान खान से अपनी दोस्ती के चलते इस सीन के लिए हामी भरी है। जी हाँ, आपको बता दें कि तब्बू और सलमान खान की काफ़ी अच्छी दोस्ती है, बॉन्डिंग काफ़ी ही अच्छी है। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा जा रहा है कि इतनी आसानी से तब्बू ने इस एक सीन के लिए हामी नहीं भरी है। दरअसल उनका भले ही फिल्म में एक छोटा सा सीन हो, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा। जी हाँ, जो फिल्म की कायापलट भी कर सकता है और फिल्म में काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा तब्बू की एंट्री के बाद। और ये जो रोल पोर्ट्रेट करने वाली है तब्बू, ये काफ़ी अलग रोल होने वाला है जो ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ सकता है, क्योंकि तब्बू का एक नया अवतार देखने को मिलेगा ऑडियंस को। वहीं फिलहाल तो तब्बू अपनी अपकमिंग फिल्म दे दे प्यार दे के प्रमोशन में बिजी हैं, जिसमें वो अजय देवगन के साथ नजर आने वाली है, अजय देवगन की एक्स वाइफ के रूप में। अजय देवगन के बारे में भी आपको बता दें कि तब्बू और अजय देवगन की भी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। इनफैक्ट तब्बू अजय देवगन की फैमिली के लिए भी काफ़ी आगे रहती है, उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करती है। इसी के चलते लास्ट टाइम हमने अजय देवगन और तब्बू को दृश्यम मूवी में देखा था। हालांकि दृश्यम मूवी रोमांच और सस्पेंस से भरी मूवी थी, लेकिन इस बार दे दे प्यार दे एक रोमांटिक फिल्म होने वाली है, जिसमें हमें लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। तो आप भारत और दे दे प्यार दे को लेकर कितना एक्साइटेड हैं, अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।